हेलो फ्रेंड्स, पिछले 3 एपिसोड में हमने दाऊद के चुनाव को देखा और इस एपिसोड में हम आदम मरहुआ और यीशु मसीह के चुनाव को देखेंगे। हमारे साथ ब्रदर वीपी मसीह जुड़े हुए हैं दिल्ली से। परीक्षा का सामना करते समय आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? आप कुछ करने का निर्णय कैसे लेते हैं? एक तरीका तो ये है कि बुद्धिमानी से चुनाव करने की शिक्षा हमें उन उदाहरणों का अवलोकन करके मिलती है जो हमसे पहले चले गए। आइए उस पहले चुनाव को देखें जो किसी मनुष्य ने किया था जब उसका सामना एक परीक्षा से हुआ था। फिर हम देखेंगे यीशु ने परीक्षा का सामना कैसे किया, उनके प्रत्युत्तरों का आधार किस पर था और वे आदम और हवा के प्रत्युत्तरों से किस प्रकार अलग थे। अगले सेक्शन की जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको जरा पढ़ना। एक मनुष्य की ओर से उस प्रथम चुनाव को देखने जो एक परीक्षा का प्रत्युत्तर था, हमें उत्पत्ति के अध्याय 2 पर जाना होगा। हम उत्पत्ति का अध्याय 2 15 से 17 तक पढ़ेंगे और पहला मनुष्य आदम पर हम रेखा खींचेंगे। प्रत्येक उल्लेख के नीचे रेखा खींचेंगे। मर जाएगा के ऊपर हम इस तरह का एक चिन्ह बनाएंगे जिसको हम टूमस्टोन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस तरह का चिन्ह आपको दिख रहा है, उस तरह का चिन्ह बनाएंगे। पढ़िए बोल। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ओके, और सवाल जवाब में जाएंगे। पहला सवाल है, जिस मनुष्य ने परमेश्वर बात कर रहा था वह आदम था। वह मनुष्य जिसे उसने मिट्टी से बनाया था, मनुष्य आदम यानी कि आदम के उल्लेखों पर निशान लगाकर आपने क्या सीखा? तो हम यहाँ पर आदम के उल्लेख पर देखेंगे जहां पर हमने रेखा खींची, और आदम का हर एक प्रत्येक चीज हम यहाँ पर नोट करेंगे। बताइए 15 16 15। यहाँ पर दिखता है कि परमेश्वर यहोवा ने आदम को लेकर वाटिका में रख दिया कि उसके अंदर वो काम करे और उसका रक्षा करे। आदम की वाटिका को में काम करना है और उसकी रक्षा करनी है। और 16वें आयत के अंदर हम देखते हैं कि उसको आज्ञा दी गई कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। और 17 में कभी ना, और ये भी आगे दी कि तू भले या बुरे ज्ञान के का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन वह उसको खाएगा वह उसी दिन वो मर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली या बहुत शब्द बहुत क्लियरली बताया गया था कि आदम को कि इस तरह का परिणाम होगा अगर तू खाएगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल लिखा हुआ है यहाँ पर, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, क्योंकि जो 15वीं आयत में लिखा है कि आदम और हव्वा या आदम का पहला जो नौकरी था इस दुनिया में, कुछ बाकी सभी नौकरी के पहले जो नौकरी था, क्या नौकरी था 15 में? हम इसको इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं, हम लोग देखेंगे उसको हिंदी में क्या बोलेंगे आप उसको, उस वोकेशन में। तो देखा, आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया, ही वाज प्लेस्ड, रख दिया उसको, पोजीशन कर दिया। और उसमें वो करना क्या था? काम करना है और उसकी रक्षा करनी है, ऐसा था नौकरी। तो इंग्लिश में उसका वर्ड है कल्टीवेट एंड कीप इट, कल्टीवेट करना और कीप इट। तो आज के तारीख में उसको हम बोलेंगे गार्डनर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हिंदी में माली, माली 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 का काम है। तो इंटरेस्टिंग यहाँ पर और एक चीज है कि काम, मनुष्य को काम कब से शुरू हुआ? बिफोर द फॉल, मतलब पाप आने से पहले ही मनुष्य को काम करना जरूरी था। तो ये भी हम हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो कि आदम को उस
पाप में पड़ने से पहले परमेश्वर ने काम करने के लिए नियुक्त किया था। ओके okay. और यहाँ पर देखा कि 16 में देखा कि सब सब वृक्षों के फल को वो खा सकता है, पर भले या बुरे। तो वृक्ष का नाम क्या था जो 17वीं आयत में दिया है, भले और बुरे के ज्ञान, बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उस फल को तू कभी ना खाना, कभी ना खाना। और परिणाम भी बताया गया था कि जिस दिन तू खाएगा, तो जो मोमेंट में या जो टाइम पर तू उसको खाएगा, तो उस दिन अवश्य मर जाएगा। अवश्य मतलब क्लियर, बहुत मतलब बहुत एकदम स्ट्रिक्टली तो मर जाएगा। तो परिणाम बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट उसको इंस्ट्रक्शन दे रखी थी। अभी अगले अगले सेक्शन में जाएंगे, अगले सवाल में जाएंगे। मनुष्य और परमेश्वर पूर्ण एकता में रहते थे, एक बात और केवल एक ही बात मनुष्य के लिए वर्जित थी, वह क्या थी? तो हमने देखा उसको क्या वर्जित था, या बस एक ही बात थी कि तू भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका तो फल कभी ना खाना, बस क्योंकि जिस दिन तू खाएगा तू मर जाएगा, उसी दिन तू मर जाएगा। तो दूसरी चीज यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि चुनाव कब से शुरू हुआ। पहले ही आदन की वाटिका में ही चुनाव शुरू हुआ कि परमेश्वर ने मनुष्य को चुनाव जो करने का जो मौका है, या चुनाव करने का ऑप्शन जो है, वो गार्डन ऑफ ईडन आदन की वाटिका में दिया था। तो अगले सवाल में जाएंगे, परमेश्वर के साथ संबंध रखने के बाद क्या मनुष्य को चुनाव करने का अधिकार दिया गया था, क्या वह क्या था? तो चुनाव क्या था और क्या अधिकार दिया गया था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, उसने कहा था कि आदम के पास तो ये अधिकार था कि या तो वो उस फल को खाए या ना खाए, क्योंकि ये चुनाव का अधिकार तो परमेश्वर ने आदम को दे रखा था और पाप में गिरने से पहले ही दे रखा था। या दूसरे शब्दों में देखेंगे कि परमेश्वर ने रोबोट नहीं बनाया, रोबोट मतलब कि प्रोग्राम्ड, जैसा हम कंप्यूटर प्रोग्राम करते हैं कि इसी तरह वो फंक्शन करेगा, तो उस तरह का रोबोट नहीं बनाया। तो परमेश्वर ने हमें चुनाव करने का अवसर दिया है, रोबोट रोबोट कभी नहीं बनाया परमेश्वर, अपनी पहचान दिया ना, बिल्कुल अपने जैसा बनाया, जो चाहे वो कर सकता है। क्या उसके चुनाव के साथ परिणाम भी बंधे थे, क्या क्या इसे स्पष्ट कर दिया गया था? अपना उत्तर समझाइए, परिणाम बंधे बिल्कुल, हाँ परिणाम बंधे हुए। उसने कहा था कि अभी पहले बात उसके पास चुनाव था कि खाना या नहीं खाना, पर लेकिन दोनों बातें बताई थी, अगर खाएगा तो यकीनन उसी दिन तो मर जाएगा, जिस दिन तो खाएगा उसी दिन तो अवश्य मर जाएगा। ओके अगले सेक्शन में जाएंगे, कंटिन्यू कहानी को हम जारी रखेंगे। जैसे कि हमने देखा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी हव्वा को एक वाटिका में बसाया, जिसे उत्पत्ति 3:23 में आदम की वाटिका कहा गया है। केवल वह प्रतिबंध को छोड़ के वे पूरी स्वतंत्रता से रहते थे। सुनने में आसान है ना, देखते हैं उनका प्रत्युत्तर कैसा रहा। तो यहाँ पर हम उत्पत्ति का 3:1-6 पढ़ेंगे और स्त्री के प्रत्येक उल्लेख के नीचे हम रेखा खींचेंगे, जैसा हमने पहले आदम के नीचे खींचा था। सर्प के उल्लेख के ऊपर, सर्प के उल्लेख के ऊपर हम इस तरह का निशान बनाएंगे, और मरोगे मर जाओगे के ऊपर हमने पहले, जैसे हमने टूमस्टोन का इस तरह का निशान टूमस्टोन का बनाया था, वहां पर हम बनाएंगे। पढ़िए, देखते हैं उत्पत्ति 3:1-6 पढ़ते हैं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी फल का वृक्ष ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तो निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः
जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपनी पति को भी दे दिया, भी दिया और उसने भी खाया। अभी सवाल जवाब में जाएंगे और पहला सवाल जो है, सर्प के उल्लेख पर निशान लगा लगाकर हमने क्या सीखा? तो हम अभी सर्प के उल्लेख पर जो पहला निशान हमने लगाया, वहां पर जाकर हम बहुत बारीकी से देखेंगे कि सर्प के विषय में हम क्या सीख रहे हैं वहां पर। वचन एक में जरा देखिए। देखते हैं यहां पर कि जो यहोवा परमेश्वर ने जितने भी बनेले पशु बनाए थे, इसका मतलब कि वो पशु था, रेंगने वाला नहीं था, वो पशु था, जिसका मतलब चलता फिरता था वो। और वैसे जितने भी पशु थे उन सब में वो धूर्त था, सबसे कहेंगे ना शातिर कह सकते हैं उसको। और वो बातचीत भी करता था, ऐसे लग रहा है क्योंकि उसने स्त्री से कहा और परमेश्वर की उस आज्ञा को भी जानता था कि जो परमेश्वर ने इस मानव या आदम और हवा को आज्ञा दे रखी थी, इसलिए सवाल जवाब भी वो करता है। तो उसका सवाल क्या था वचन एक में? उसने सवाल किया कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना है, ये सवाल किया उसने। हाँ, तो सर्प के बारे में थोड़ा सा हम और सोचेंगे। तो सर्प क्या परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को ये चुनाव दिया था, तो सर्प वहां पर मौजूद था? जाहिर सी बात है, मौजूद था या नहीं था? हाँ, लगता था क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो वो था, क्योंकि अगर उसको कैसे पता चला कि आज्ञा दी है, उसको उसको कुछ आइडिया तो था ही, वो जब वो आज्ञा दी गई होगी वो जानता होगा ना कि आज्ञा दी हो। तो आज्ञा दी मौजूद था, इसीलिए तो वो कह रहा है ना कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। पर यहाँ पर वो थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा कहानी में वो अलग से ट्विस्ट लाता है, यहाँ पर थोड़ा सा डिविएशन लाता है। क्या डिविएशन लाता है? शायद वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है, क्या बात है, क्या ये सच है, यानी कि शंका से पैदा कर रहा है। वो पूछ रहा है कि क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना। प्रभु ने ऐसा तो नहीं कहा था ना कि किसी वृक्ष का फल ना खाना, उसने बोला इस वृक्ष का फल ना खाना। तो क्योंकि देखिए वचन 16 16 में लिखा है कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। तो हाँ परमेश्वर ने वो नहीं बोला तो कि किसी वृक्ष का बिल्कुल, फल नहीं खाना। हाँ, पर ऐसा तो नहीं बोला था ना कि तू तो किसी वृक्ष का फल ना खाना। तो ये कहीं ना कहीं उसने वचन को अपनी लैंग्वेज के अंदर बोल रहा है। वो अगर फल नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसा, जिंदा कैसे रहेंगे? ऐसा थोड़ी ना बोला था उसने। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा, यहाँ पर इंग्लिश में उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि क्राफ्टी, मतलब आपने जैसा बोला चतुर ना, आपने कुछ वर्ड यूज किया, शातिर, शातिर 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 था। शातिर। तो यहाँ पर वो अपनी चतुरता या शातिरता का यूज कर रहा है, यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, और वचन को वो मोड़ रहा है अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने पॉइंट में लाने के लिए वो मोड़ रहा है। और दो में, वचन दो में भी, आयत दो में भी स्त्री और इसके बीच बातचीत हो रहा है। क्या हो रहा है वचन दो में? यहां पर स्त्री बात कर रही है, स्त्री ने सर्प से कहा कि इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, खा सकते हैं, पर फिर जो तीसरी आयत में जाकर वो बात को जारी रखती है, तो जो वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओ। यहां पर भी स्त्री भी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही है ना बोलने से। तो स्त्री, हम स्त्री के बारे में बाद में देखेंगे, पहले जैसे सर्प के बारे में देख रहे हैं। तो बस यहाँ पर 2 और 3 में हम दिखाई दे रहा है कि सर्प वहां पर मौजूद था और वार्तालाप जो है वो स्त्री और सर्प के बीच में हो रहा था, कंटिन्यूअसली वार्तालाप हो रहा था। तो वचन 4 में देखेंगे कि वो जवाब क्या दे रहा है स्त्री को सर्प। चौथे आयत के अंदर कहता है कि सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, एक और झूठ, क्योंकि उसने वचन को तोड़ रहा है, कहीं ना कहीं तो गुमराह कर रहा है, अभी वो क्लियर झूठ कहता कि बोल रहा है ना, तुम। पहले थोड़ा सा सच्चाई से थोड़ा डिविएट होकर
थोड़ा सा सच्चाई से डिबेट हुआ, वो भी झूठी है, पर यहां पर वो अभी एकदम कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है परमेश्वर को और कह रहा है कि तुम निश्चय न मरोगे, हाँ, है ना। मतलब झूठ को ज्यादा ही कर दिया, कुछ ज्यादा। पहले तो मिलावट थी शायद थोड़ी बहुत ही, पर अब तो वो बिल्कुल उसने झूठ ही बोल दिया, तो तुम निश्चय ना मरोगे, यहाँ पर ऐसे बोलता है। तो इस किताब का जो शीर्षक है, टाइटल है, कैसे चुनाव करें कि पछताना ना पड़े, तो यहाँ पर वो सर्प जो है स्त्री से बोल रहा है, तुम एक बार जैसे देखिए आजकल बोलते हैं कि इसको इसको एक बार टेस्ट करके देखो, कुछ 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 नहीं होगा, ये तुमको मजा आएगा, तुम थोड़ा सा उसको टेस्ट करो, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है तुम निश्चय ना मरोगे, कुछ नहीं होगा तुमको, तो उस तरह का एक अश्योरेंस सर्प है ना जो दे रहा है उसको, स्त्री को, कि तुम निश्चय। टेम्पटेशन में कहते हैं ना कि एक बार चख के तो देखो, ट्राई तो करो, कोई भी टाइम गंदी आदत कुछ भी बात होती है तो कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे बोलते हैं लोग। और वो कॉन्फिडेंटली बोल रहा है वो, कुछ नहीं होगा। हाँ देखिए, झूठ झूठ बोलना भी ना, किसी ने कहा कि एक झूठ को आप बार बार दोहराओ और बहुत बड़ा झूठ बोलो और बार बार उसको दोहराओ तो लोग उसको सच मानने मानना लग लोग उसको सच मानने जितनी लगेंगे। बार बार बोलोगे उतने सच उस सच में बदल जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे वो सच बोल रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, बोल रहा है कि निश्चय ना मरोगे, मतलब डेफिनेटली इंग्लिश में वहां पर लिखा है कि यू श्योरली विल नॉट डाई, श्योरली तुम नहीं मरोगे। तो परमेश्वर का क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन वो कर रहा है सर। पर वचन 5 में क्या बोल रहा है, मरोगे नहीं पर क्या होगा वर्णन? हाँ, बल्कि कहता है कि प्रभु आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे के का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए पार्टली पार्टली ट्रूथ है, पार्टली फॉल्स भी है, झूठ भी है, सच भी है, झूठ भी है, दोनों मिक्सचर इसलिए बहुत शातिर शातिर नहीं, शातिर तो थोड़ा सा बढ़िया शब्द लग रहा है, मगर कहीं ना कहीं बहुत ही गंदा है शब्द, बहुत ही चालाक, या कहें डिसीव, अंग्रेजी में सही वर्ड है, डिसेप्शन, डिसीवर है वो। या देखिए इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप एक बात इसको थोड़ा सा हम इसको गौर अगर फरमाएंगे और ज्यादा इस पर सोचेंगे तो वो क्या कह रहा है वर्णन, परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसको उस फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। ओके, तो वो सच था क्योंकि उनकी आंखें खुल गई और उनको पता चला, हमने कहानी में आगे जाएंगे तो देखते हैं कि उनको पता चला कि वो कपड़े ने कपड़े पहने नहीं है और नंगे है करके, तो आंखें खुल गई। पर अगला जो है, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर भले बुरे का ज्ञान, ओके, तो अभी उनको बस किसका ज्ञान था, भले का ही ज्ञान था, अभी तुम्हें बुरे का भी ज्ञान होना जरूरी है। देखिए बोलते हैं ना कि अरे ये भी सीखना जरूरी है, तो बुरे का भी ज्ञान तुम्हें होना जरूरी है, और अगर भले और बुरे का ज्ञान होगा तुम किसके तुल्य हो जाओगे, ईश्वर के साथ परमेश्वर के साथ। यहाँ पर तो थोड़ा बहुत वो ठीक ही कह रहा है ना, क्योंकि जहां पर जब ईश्वर किसको कहते हैं, जो भले और बुराई दोनों को जानता है, उसी को तो ईश्वर कहते हैं ना, तुम भी ईश्वर के तुल्य बन जाओगे। एक बात है कि ईश्वर जो है, परमेश्वर जो है, हम लोग परमेश्वर जो वो शब्द यूज करते हैं, तो परमेश्वर जो है वो भला है, बाइबल में बोलता है उसमें कोई भी बुरा नहीं है, वो याकूब की किताब में लिखा है, उसको कोई भी हम किसी भी तरह हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, कैन ही कैन नॉट बी टेस्टेड नॉर विल ही टेस्ट एनीबडी। तो बुरे से वो किसी को टेस्ट नहीं करता है, वो टेस्ट करने वाला यहाँ पर कौन है, यहाँ पर तो शैतान टेस्ट कर रहा है, शैतान भलाई और बुराई के क्योंकि चक्कर वो अपने में वो शैतान चेक कर रहा है। क्योंकि वो अपने स्वभाव से वो बात कर रहा है, अपना उसका स्वभाव भी वैसा है, परमेश्वर अच्छा भला भला परमेश्वर है, तो वो इस तरह की टेस्टिंग में नहीं डालता है। बट तो वो कहता है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, अगर इस पर भी आप थोड़ा सा गौर फरमाओ तो यहाँ पर वो तो परमेश्वर के तुल्य थे ही ना, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप में बनाया था, तो और क्या चीज की जरूरत थी, वो तो परमेश्वर के तुल्य थे वो, पर एक्चुअल में क्या हो रहा असल है। में हाँ, असल में जो है उसी में तो शंका डाल रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि उसको ये समझा रहा है कि तुम उसके तुल्य नहीं हो,
कहीं ना कहीं वो एक शंका डालकर उनसे कह रहा है कि अगर तुम इसको खाओगे तो तुम उसके तुल्य हो जाओगे, हालांकि परमेश्वर ने तो अपने जैसा ही तो बनाया था, अपनी पहचान में बनाया था। तो उसने जब बनाया था अपने स्वरूप में बनाया था, परमेश्वर और मनुष्य, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था, तो वो शैतान कह रहा है यहाँ पर, सर्प कह रहा है कि अगर इसको खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, मतलब तुम परमेश्वर के बराबर बराबर होगे। एक्चुअल में वो परमेश्वर के तुल्य थे ही, वो उसने परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप में बनाया था। पर हुआ क्या, वो यहां सर गिर के पाप आकर वो एक्चुअल में उल्टा हुआ, वो गिर गए वहां से। तो बहुत बहुत बड़ा चाल यहाँ पर शैतान खेल रहा है। वचन छः में जाएंगे, वचन छः में ओके, उस वो स्त्री के बारे में हम लोग अगले सवाल देखेंगे, तो उसमें हम स्त्री के बारे में सीख रहे हैं। तो स्त्री के उल्लेख पर निशान लगाते समय आपने क्या सीखा? तो अभी हम हमारा फोकस ध्यान थोड़ा सा हम स्त्री पर डालेंगे और वचन एक से देखेंगे कि स्त्री क्या कर रहे हैं वहां पर। अभी अगर हम पहली आयत से देखते हैं तो पहली आयत में जो स्त्री जो सांप है ये स्त्री से बातचीत कर रहा है और सवाल जवाब करता है कि क्या सच में परमेश्वर ने कहा। तो यहाँ पर सवाल जवाब वो स्त्री से कर रहा है, पर लेकिन यहाँ आदम तो दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं वो सोचने वाली तो बात है। और स्त्री ने फिर शाम से कहा कि उसके सवाल जवाब में उतर रही है वो कि इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, परंतु परंतु जो वृक्ष वाटिका के बीच में, ये भी कोई समझ नहीं आ रहा कि ये बीच में था या कहाँ पर था, मैं नहीं मालूम, पर ये भी वर्ड कहीं ना कहीं और आ रहा है कि वाटिका के वृक्ष जो वाटिका के बीच में है उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना। यहाँ पर भी तो स्त्री का कैसा लग रहा है कि मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी बिल्कुल सही तरीके से नहीं बोल रही कि ना तो खाना, ना तो खाना वो तो ठीक है पर छूना वो कहाँ। ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा कि उसका ज्ञान ठीक नहीं है, नहीं तो तुम मर जाओगे, या ये ठीक है कि नहीं तो तुम मर जाओगे। और स्त्री सांप ने, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शैतान जो है वो सांप उसकी जो इग्नोरेंस है उसका ही फायदा उठा रहा है, क्योंकि शी नॉट वेरी बिल्कुल क्लियर नहीं है उसको, उसको बहुत सही ज्ञान नहीं है, तो इसलिए शैतान कहीं ना कहीं सांप कहता है तो तुम निश्चय नहीं मरोगे, पांच चौथी आयत के अंदर नहीं मरोगे। आपने एक वर्ड यूज किया, मैं उस पर एक फोकस करो, इग्नोरेंस ना, मतलब इग्नोरेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? अज्ञानता, अज्ञानता, अज्ञानता। तो मेरे को लग रहा कि अज्ञानता का इस्तेमाल कर रहा है वो, किस चीज के बारे में अज्ञानता, परमेश्वर के किस चीज के बारे में अज्ञानता? उसके वचन, जो उसने वचन बोला था उस वचन को वो भी तो तोड़ मरोड़ कर बोल रही है ना, कुछ ना तो छूना, ये कहां से आया ना तो छूना, तो ना तो खाना। तो विश्वासी को परमेश्वर के वचन के बारे में कितना ज्ञान होना चाहिए, बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस, मतलब एक्यूरेट नॉलेज, वचन कहता है कि तुमको प्रभु के वचन का परफेक्ट एक्यूरेट नॉलेज होना चाहिए, एकदम स्टीक, हिंदी में बोल सकते हैं वर्ड है, स्टीकता से परमेश्वर के वचन को जानना। अभी स्त्री का हम रेस्पॉन्स देखेंगे छे में, वो क्या कर रही है, और यहाँ पर हम क्रियापद पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्या क्या क्रियापद वहां पर हो रहा है। छे में स्त्री क्या कर रहा है यहाँ पर? देखा, जैसे स्त्री ने देखा, ओके, और उसने देखने के लिए उसका अच्छा लगा, उसको एक्शन में अच्छा लगा, खाने के लिए अच्छा लगा, मन भाव और चाहने योग्य था, ये सारे उसके वर्ब्स हैं उसको। फिर उसने तोड़कर खाया और पति को भी दिया, उसने भी खाया। तो अभी एक बात आप, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने बोला कि पति वहां पर था या नहीं था, बट आप इधर देखो, जरा वचन छे में जो लास्ट पार्ट है उसमें पति कहाँ था? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल नहीं, पर ये हाँ हो सकता है कि पति वहीं पर ही होगा, फिर वो कहाँ होगा? जब ये बातचीत चल रही थी, ये सारे उस कहानी का जो जो शुरुआत हुई है, तो पति तो वहीं पर है ना, क्योंकि और वो
इंग्लिश में दिया और है उसको कि तोड़कर उसको देते भी तो है। इंग्लिश में दिया है कि शी गेव ऑल्सो टू हर हस्बैंड विथ हर एंड ही एट। तो यहाँ पर लिखा है कि उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो किसी थोड़ा सा या पति अपने जिम्मेदारी से पूरा भाग सकता है यहाँ पर, पूरा जो है वो हवा के ऊपर डाल सकता है जिम्मेदारी। नहीं, वो ये तो शामिल हो गया उसके साथ। दरअसल में अगर उसने गलती किया है तो उसने उस गलती को उसका भागीदार हो गया, पार्टनर है उसका भी। तो अभी अगले वचन में जाएंगे कि इन अगले सवाल में जाएंगे, इन वचनों में स्त्री का किससे सामना हुआ। तो हम यहाँ देखेंगे कि आपको हमको तो पता है यहाँ पर कि किससे सामना हो रहा था। ये वार्तालाप बस एक सांप से हो रहा था या सर्प से हो रहा था या और किसी से हो रहा था। अभी तो सर्प से ही सामना कर रहे थे। हाँ नहीं, बट सर्प के अंदर में कौन था, सर्प के अंदर से बात कौन कर रहा था। शैतान। शैतान। वेरी गुड। क्या वह अपने चुनाव के परिणाम को जानती थी। तो यहाँ पर क्या वो अपने चुनाव के परिणाम को जानती थी। यकीनन उसको पता था कि जिस दिन, क्योंकि उसने खुद ही कहा कि जिस दिन तुम इसको खाओगे तुम निश्चय मर जाओगे, तो जानती थी ना वो इस चीज को, वो जानती थी। और उसके पास चुनाव चुनाव था करने का, कि करना या नहीं करने का चुनाव था। सर्प के बात को बिल्कुल सुनकर बिल्कुल बिल्कुल चुनाव था। उसके पास चुनाव था, बल्कि पति भी वहीं पर खड़ा था, वो भी तो कह सकता था ना, क्योंकि हमने अभी तो समझा कि पति भी साथ में खड़ा था, दोनों ने चुनाव मिलकर किया होगा। बल्कि इनफैक्ट आप थोड़ा सा इसको सोचो तो परमेश्वर उस वो समय में उनके साथ चलता, वार्ता बातचीत करता, उनके साथ संगति करता। तो वो उनको बस एक बार परमेश्वर बुलाने की जरूरत थी। परमेश्वर वहां पे आता या परमेश्वर अपने मुंह से शब्द बोलता, वहां से सब कंफ्यूजन दूर हो जाता। तो ऐसा भी नहीं था कि परमेश्वर कहाँ पर है और हम देख नहीं सकते, बट वहां पर उस समय परमेश्वर उनके साथ मौजूद था, उनके साथ चलता था। ये भी हम देखते हैं कि गार्डन की जो ईदन की वाटिका में वो चलता था और उनके साथ संगति रखता था। तो परमेश्वर को भी उन्होंने उस फैसले में उन्होंने शामिल, उस चुनाव में उन्होंने परमेश्वर को नहीं भी शामिल किया, नहीं किया। बिल्कुल नहीं और किया। उन्होंने अगला सवाल है, उसने कैसे प्रत्युत्तर दिया। तो उसका प्रत्युत्तर क्या था कि उसने फल को खाया। खाया, तो अभी उसने हम फल को खाया। या अभी हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन में जाएंगे, वचन 6 के, कि जितनी भी क्रिया स्त्री के संबंध रखती है उनको एक घेरे में डालें, जैसे कि गोल बक्सा गोल बनाए, सर्कल बनाए। जिन कार्यों से उसने पाप किया और जिन कार्यों से दाऊद ने पाप किया। ओके, तो अभी हम इसको, आप जो हमारे दर्शक जो है, आप एक सर्कल बनाओ अपने बाइबल में पेंसिल से, और उस सर्कल बनाकर हम देखेंगे कि वो क्रियापद और दाऊद, हमने जब एपिसोड 1 में हमने देखा, 1 में देखा, दाऊद के जो क्रियापद थे उसमें सिमिलैरिटी क्या है, साम्यता क्या है। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या उनके बीच आपको कोई समानताएं दिखती हैं। तो समानताएं देखेंगे, सप्ताह 1 में देखें, यदि ऐसा है तो उनका वर्णन करें। तो अभी हम, क्योंकि हमने सप्ताह 1 एपिसोड में हमने देखा है, पर यहाँ पर हम अभी स्त्री को देखकर हम थोड़ा सा दाऊद के चुनाव और दाऊद ने किस तरह क्या किया था उस पर हम जरा कंपैरिजन करेंगे। तो जरा बताइए ब्रदर, एक एक क्रिया पद को लेकर जरा बताइए हाँ, दाऊद के साथ ये क्या देखिए कनेक्शन। बहुत 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 मजेदार दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पहले जैसे दाऊद ने देखा तो स्त्री ने भी देखा, ठीक है ना। और देखना जो सबसे पहली क्रिया हो गई, फिर उसको एक अच्छा लगा, यानी कि वो जो उसको चाहने, लालसा कह सकते हैं, और उसको खाने के लिए अच्छा लगा, या ये एक होगी क्रिया हो गई, और चाहने योग्य हुआ ये, और उसने तोड़कर खाया, और उसने खाया और पति को भी दिया। तो वेरी गुड। तो एक बार इसको हम एक बार और देखेंगे कि स्त्री ने देखा, तो दाऊद ने देखा शाम के समय, सांझ के समय वो अपने छत पर टहल रहा था और उससे एक अति सुंदर स्त्री नहाती हुई देख पड़ी। तो हमने देखा उसने, यहाँ पर भी स्त्री देख रही है। और फिर लिखा है कि खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ। तो वो भी हमने देखा कि वो स्त्री असाधारण स्त्री, साधारण स्त्री नहीं थी, वो बहुत अति सुंदर स्त्री थी। तो उसको उसको मन भाव यहाँ पर लगा हवा को।
और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, तो वो उसकी जो अंदर की जो अभिलाषा ना, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, और तब उसने उससे तोड़कर खाया। तो हम देखते हैं कि दाऊद ने किसको भेजा, और पहले पुछवाया, फिर भेजा, बुलवाया और उसके साथ सोया। तो यहाँ पर उसी तरह देखते हैं कि उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो यहाँ पर इतनी सारी समानताएं हम दाऊद और इस कहानी में हम देखते हैं। वेरी गुड। तो अगले सेक्शन में जाएंगे। बिल्कुल यस ब्रदर, अगले सेक्शन में जाएंगे। अभी एक अनोखा व्यक्ति के बारे में हम सीखने वाले हैं। ये व्यक्ति जो है वो चुनाव कभी भी सही चुनाव करता है। इस व्यक्ति का नाम हम देखेंगे, वो व्यक्ति कौन है, और आज ये व्यक्ति हमें भी चुनाव करने की क्षमता या शक्ति देता है। इसके बारे में हम सीखेंगे अभी। अभी लूका का 4:1-13 को पढ़ेंगे, और यीशु के प्रत्येक उल्लेख पर, सर्वनाम पर हम एक क्रॉस बनाएंगे, क्रूस का निशान बनाएंगे। शैतान जो अभी भी यहाँ पर इस कहानी में मौजूद है, उसको हम इस तरह का पिचफोक या त्रिशूल का निशान बनाएंगे, क्योंकि लिखा है के ऊपर हम बक्सा बनाएंगे, क्योंकि लिखा है और यह भी कहा गया है। तो दो चीजें यहाँ पर, यह भी कहा गया है और क्योंकि लिखा है, इस पर हम बक्सा बनाएंगे। पढ़िए। देखिए, लूका 4 उसका पहली 13 आयत में लिखा है, तो फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उससे उससे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं से जीवित नहीं रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उसे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसे दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगारे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करें और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसे उत्तर दिया, ये भी लिखा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। थैंक यू ब्रदर। हम अभी सवाल जवाब में जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पर, और हम इसको बहुत अच्छी तरह से हम इसको ज़रा पढ़ेंगे इंडक्टिव स्टडी के द्वारा। तो अभी हमने भिन्न प्रकार का मार्किंग यहाँ पर किया है। अभी मार्किंग को देखकर सवाल का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल है, इस लेखांश में यीशु पर निशान लगाकर आपने क्या सीखा? तो यहाँ पर हम यीशु को देखेंगे और क्या सीखा, एक एक कर इस पर हम ध्यान देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इस पर, पूरा इसका हम एसेंस निकालेंगे। पहला हम देखते हैं कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यीशु जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, भरा हुआ था, तभी पवित्र आत्मा के सिखाने के द्वारा, पवित्र आत्मा ने ही उसे जंगल में लेकर गया। यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और वो जंगल में फिर तो
तो यहाँ पर यीशु के बारे में सीखते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र था, वो त्रिएक परमेश्वर में एक व्यक्ति था, पर उसे भी पवित्र आत्मा की जरूरत थी, या उसने ठीक। पवित्र आत्मा पर, दूसरे शब्दों में वो भी पवित्र आत्मा पर निर्भर था या डिपेंड किया। तो ये हम परफेक्ट सीखते मैन था ना, बिल्कुल सिद्ध मनुष्य था वो, बिल्कुल हमारे जैसा था वो। हैं। ओके, वेरी गुड। तो अगले में देखेंगे कि अगला क्या हो रहा है यीशु के साथ। दो में वचन दो में जाएंगे। दूसरे आयत में हम देखते हैं कि वह यीशु जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, वह शैतान उसकी परीक्षा करता है। और उन दिनों में यीशु मसीह ने कुछ नहीं खाया, और जब वो बहुत दिन हो गए, 40 दिन तक, कई दिन लिखा है यहाँ पर, और फिर उसको भूख लगती है। ओके, भूख लग रही है। तो यहाँ पर यीशु के बारे में क्या सीखता है, क्योंकि यीशु परमेश्वर भी था और मनुष्य भी एक टाइम पर था, तो इसीलिए वो, क्योंकि वो मनुष्य पूरी रीति से 100% 100% मनुष्य था, उसे भूख लगी वहां पर। जैसे हमें भूख लगता है वैसे उसे भी भूख लगी, जैसा हमें भी खाने की इच्छा होती है जब हमें भूख लगता है। अभी जब अभी जरा हमें इसमें नजर क्या डालना है कि 40 दिन तक वो भूखा रहा, तो ऑब्वियसली उसको भूख लगा होगा, और शैतान उसके हिसाब से वहां पर उसको टेम्पटेशन लेके आ रहा है। वचन 3 में देखो जरा, जिसको एक आदमी अगर भूखा है तो उसको क्या जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत क्या है उसको। वो सबसे कमजोर वही एरिया है जहां पर वो आजमाइश कर सकता है, और शैतान ने वहीं पर तो आजमाइश करी उसकी, जब वो भूखा था, और उसके ऊपर यही आजमाइश डाल ली कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हालांकि वो परमेश्वर का पुत्र है, तो सवाल भी कर रहा है, शंका भी डाल रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से क्या कि रोटी बन जाए। तो इंटरेस्टिंग यहाँ पर है, क्योंकि शैतान जो है वो बहुत पहले से था। अभी ये घटना होने के, अगर हम उसको थोड़ा सा एक 1,000 साल रिवाइंड करेंगे, तो परमेश्वर ने विल्डरनेस में कहाँ से क्या गिराया, ऊपर से कहाँ क्या गिराया यहाँ पर। शैतान को नहीं, देखिए, जब हम इसराइल पर हम गौर डालेंगे, हिस्ट्री ऑफ इसराइल पर हम देखेंगे, जब इसराइल 40 साल जो रेगिस्तान में घूम रहा था, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से क्या भेजा उनको, हर दिन मन्ना मन्ना जी। बजा मन्ना। तो यहाँ पर शैतान उसको उस तरह का जो है बता रहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो मतलब कि बात हुई कि अच्छा, परमेश्वर का पुत्र अगर तू है तो तू मन्ना भी भेज सकता है, पत्थर को भी बोल सकता है रोटी बन जा, जी हाँ जी, तो तो तेरे में उसको पता वो था कह कि रहा होगा कि अगर, पत्थर का तो मुन्ना बना दे। हाँ हाँ, कि दूसरे शब्दों में कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तेरे पास अधिकार है। हमने देखा यीशु मसीह, अच्छा, यीशु मसीह बना सकता था पत्थर को रोटी, नहीं बना सकता था। नहीं, अगर वो मन्ना गिरा सकता है, रोटी गिरा सकता है स्वर्ग से, तो पत्थर को रोटी क्यों नहीं बना सकता है? हमने देखा वो तो, पांच रोटी और दो मछली का कहानी हम देखते हैं ना। हाँ, वो तो मिरेकल भी किए उसने, उसने करके दिखाया। तो यहाँ पर यीशु, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चौथी आयत में लिखा है, क्या लिखा है वहां पर, यीशु ने क्या कहा, उसको उत्तर क्या दिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, तो यहाँ पर वो फिर, लिखा। हाँ, तो ये फिर से वो किस ओल्ड टेस्टामेंट की कोट कोटेशन दे रहा है, या पुराने नियम का वो हवाला दे रहा है शैतान को, कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जिएगा। तो इसमें थोड़े से गहराई में हम बाद में कभी जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जब मन्ना बेचता है 40 साल, तो वहां पर एक ड्यूट्रोनोमी में जो व्यवस्था विवरण में एक जगह लिखा है कि परमेश्वर ने तुम्हें भूखा रखा, इसराइल को भूखा रखा, क्योंकि मैं उन परमेश्वर ये प्रूव करना चाहता था, ये जो ये इसको प्रूव करना चाहता था कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा पर परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। तो उनको वो प्रूव करने के लिए वो भूखा रखा 40 साल, और हर दिन एक दिन छोड़कर, सबके दिन छोड़कर, बाकी के सभी दिनों में रोटी ऊपर से नीचे गिरती थी। तो ये मना देता मानना गिरता, तो वेरी इंटरेस्टिंग। तो शैतान ने, अच्छा, अभी शैतान फिर फॉलो कर रहा है या शैतान की आजमाइश हो गई।
क्या और बोले? शैतान की आजमाइश जो है हो गई, या यीशु को फॉलो कर रहा है एक से एक के बाद एक के बाद एक के बाद आजमाइश हाँ, यीशु? अभी 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 वो छोड़ता थोड़े ना कोई, वो तो अभी एक के बाद एक उसके ऊपर आजमाइश डालता जा रहा है, उसको परख रहा है। तो अगली आजमाइश क्या है? वचन 5 में देखो, हाँ, 5 में अभी 5 के अनुसार अभी हम देखते हैं कि वो शैतान उसको पल भर में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पल भर में जगत के से सारे राज्य दिखाए, जगत मतलब वर्ल्ड के। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग है ना। पहले पहले अच्छा, पहला अगर कैटेगराइज करेंगे इसको, पहला जो पत्थर को रोटी बन जाए, तो हम उसको किस कैटेगरी में डाल सकते हैं? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, या जीविका गमन, किस कैटेगरी में हम डाल सकते हैं? रोटी बन जा, शरीर की अभिलाषा कह सकते हैं शरीर की क्योंकि अभी अभिलाषा, शरीर की भूख है। वेरी गुड, शरीर की अभिलाषा। अभी ये क्या है, ये बताइए, 5वें आयत में क्या क्या अभिलाषा दे रहा है वहां पर? उसे ले गया ये और भी उसको तो पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, राज्य दिखाए, तो कहाँ ये से भी तो दिखाए? अभिलाषा ही दिखाए। अभी पर अभी ये भी तो अभिलाषा ही तो है, हाँ, पर किसकी क्योंकि अब अभिलाषा? यीशु मसीह की अभिलाषा क्या थी? परमेश्वर का राज्य स्थापित करने की। तो कहते हो, ले मैं तेरे को देता हूँ, तू इतना क्या परेशान हो रहा है, तेरे को मैं देता हूँ सारा राज्य। तो यहाँ पर हम आंखों की अभिलाषा देख रहे हैं ना, क्योंकि सारे राज्य हाँ, दिखाए, तो किस किस चीज से हम शरीर का किस अंग की इस्तेमाल का इस्तेमाल हम देखने के लिए करते हैं? आंखों से करते हैं ना, तो दिखाए, और दिखाया और क्या कहा? वचन 6 में जाइए, वहां पर क्या कह रहा है? 6 में कहता है कि यीशु क्या कहता है, और उसने कहा, मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, शैतान कह रहा है, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। तो इस पर हम शैतान के ऊपर थोड़ा सा गौर फरेंगे, एक फरमाएंगे ना, तब तब हम इस आयत में जाएंगे। पर हम यीशु के बारे में अभी देखेंगे, अगले 7वें आयत में क्या लिखा है यीशु के बारे में? बस कहता है कि तू मुझे प्रणाम कर तो ये सब कुछ तेरा हो जाएगा। ओके, तो वो भी शैतान कह रहा है, शैतान उसको। हम अगला अगला सवाल है शैतान के बारे में, तो हम उसको तब कवर करेंगे, बट हम यीशु के बारे में देखेंगे। वचन 8 में जरा जाइए, तो प्रत्युत्तर क्या दिया यीशु ने, उत्तर क्या दिया? तो यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, यीशु बार बार वो कहते हैं, लिखा है, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार बात कर रहा है, तो वचन की जानकारी होना जरूरी, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, वेरी गुड। अभी 9वें वचन में जाएंगे, तब फिर क्या हो रहा है? अभी तीसरा आजमाइश क्या है वहां पर? अब यीशु मसीह को वह जरूसलम में ले जाता है और यीशु मसीह को मंदिर के कंगारे पर खड़ा करता है और कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे आ दे। तो तो अभी यीशु आप मसीह को फिर बताइए, आजमाइश है। तो अभी आप बताइए कि ये कौन सी तरह का आजमाइश हो गया? आंखों की अभिलाषा हो गया, शरीर की अभिलाषा, अभी एक किस तरह का अभिलाषा है? जीविका का? अभी तो ये जीविका का घमंड है, ओके, तो अभी देखेंगे किस कैसे? तरह, हम देखेंगे किस तरह जीविका का घमंड है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, मतलब अपने अंदर में प्राइड ला रहा है, तू अगर पुत्र है तो ये करके दिखा ना। हम बोलते ना, अगर तू हाँ, तू अगर तू पहलवान है तो तू अपने उसको, अथॉरिटी, पहलवाना तो कर गिर के तो दिखा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा। अभी देखिए, शैतान अपने टैक्टिक्स जो है, अपनी जो टैक्टिक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, चाल, चालाकी को बोलेंगे अपने शातिर दिमाग, जो उसका जो चतुराई जो है उसकी। चाल है, चतुराई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिविएट कर रहा है, क्योंकि अब तक यीशु ने कहा है, लिखा है, लिखा है, तो अभी शैतान भी कोट करने लग गया वचन को। वचन 10 में लिखा है, क्या लिखा है वचन 10 में? अभी वो लिखा है, अभी वो कहते हैं यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे गिरा दे, और क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, 10वीं आयत के अंदर कहता है, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करें, लिखा है, हम शैतान बोल रहा भजन संहिता 91
में हम इस आयत को पाते हैं, और हम बहुत सारे हम कभी बचपन में भी या संडे स्कूल में भी बच्चों को बोलते हैं कि इसको बायआउट करो आप, भजन संहिता 91। तो मुझे लगता है शैतान भी वहीं से बायआउट किया होगा। तो बिल्कुल लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करे, और वह तुझे हाथों हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना लगे। हो कि तेरा पांव में पत्थर से ठेस लगे। ये भजन संहिता 91 कोट कर रहा है शैतान यहाँ पर। तो अभी यीशु का प्रत्युत्तर क्या है? 12 में यीशु फिर से कुछ बताता है। तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी कहा गया है। ये देखिए यीशु मसीह का बढ़िया सी है कि बार बार वचन को ही कोट करता है। कहता तो ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। परीक्षा ना करना ना, तो वो परीक्षा इन अदर वर्ड्स कि वो जीविका का घमंड। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से गिरा, तो अगर वो गिरा था, देखिए उसको वो परमेश्वर था। हमने यूहन्ना की किताब वचन एक में से देखा कि वो परमेश्वर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। तो वो अगर अपने आप को वहीं से गिरा भी देता, अगर वो पानी में चल सकता है तो गिराने में क्या प्रॉब्लम था उसको? हमने देखा ना बहुत सारे जगहों में, एक दो जगह में हमने बाइबल में पढ़ा कि वो पानी से चल कर जाता था। तो उसे यहाँ पर अगर वो गिरता तो थोड़ी गिर जाता था, वो परमेश्वर था। बट यहाँ पर वो यहाँ पर कन्फ्रंट कर रहा है शैतान को, या वहां पर शैतान का मुकाबला वचन के ऊपर वचन देकर कर रहा है, और कह रहा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। अगर मैं गिरूं तो उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, पर मैं वो परमेश्वर की परीक्षा कर रहा हूँ तो मुझे परीक्षा नहीं करनी चाहिए। तो एक तरह से शैतान उसको पहले शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, तो वो इस तीनों चीजों से शैतान लेके जा रहा है। और हम अभी शैतान के ऊपर एक हमने बहुत इसमें डिटेल में देखा, फिर शैतान के ऊपर एक से एक नजर उठा कर देखेंगे शैतान के बारे में हम यहाँ पर क्या सीखते हैं, शैतान पर निशान लगाकर हमने क्या सीखा। ओके से देख लेते हैं अभी शैतान हाँ जस्ट के बारे हाँ में। शॉर्ट में बोले, दो वचन दो में देखे क्या लिखा है शैतान के बारे में। हाँ यहाँ पर दूसरे उसकी परीक्षा करता रहा, मतलब उसने रुका रुका नहीं है, परीक्षा वो करता रहा। और जो जरूरत है ना उसकी, उसी के ऊपर वो जैसे भूख की जरूरत है उसमें परीक्षा करता है। वेरी गुड, और फिर वो ये भी कहता है कि उसकी यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, अभी उसकी जो पोजीशन है, वो जो जो उसकी अथॉरिटी है, उसी की परीक्षा कर रहा है वो। जैसे आपने कहा अभी कि वो अपने जीविका का घमंड, यानी कि वो परमेश्वर का पुत्र है तो उसकी पूरी आजमाइश, या इवन रोटी बन जाए, पत्थर पर रोटियां बन जाए, वो भी कहीं ना कहीं वो वचन शैतान कर रहा है। दो में आपने सही बताया कि शैतान आपकी कमजोरियों को जानता है। हाँ भूख भूख लगी है तो उसी के इर्द गिर्द परीक्षा करेगा। तो शैतान आपकी कमजोरियों को जानता है। दूसरी चीज अभी मुझे बताओ, वचन 3 में लिखा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, इन इंग्लिश में है कि इफ यू आर द सन ऑफ गॉड। शैतान यीशु मसीह से वाकिफ था। आप थोड़ा सा हम हिस्ट्री शैतान का जो जो बायोडाटा हम देखेंगे, तो पहला कुछ नौकरी करता था जो छोड़ के अभी नीचे आ गया दूसरा नौकरी करने। पहला नौकरी क्या करता था? पहला तो उसका स्वर्गदूत था, उसका दाहिना हाथ नंबर 1 था वो शायद। तो वो छोड़कर अभी वो उसको पता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र। तो शैतान को भी परमेश्वर के पुत्र के बारे में नॉलेज था। बल्कि उसके उसके यहां तो नौकरी करता था, क्योंकि यीशु देखिए मसीह के का स्वर्गदूत था वो। हम यीशु ये इस हम यीशु कौन है जो किताब है जो प्रिसेप्ट मिनिस्ट्रीज ने पब्लिश किया है, वहां पर हम अगर अध्याय 4 में जाकर यीशु मसीह के जो मिरेकल्स है, चमत्कार है या चिन्ह है, हम सीखते हैं। तो बहुत बार शैतानों या बदरुओं को जब वो निकालता है तो बदरू है उसको बोलता है, वापस जवाब देता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है और तू हमें समय से पहले पीड़ित, या हमें क्यों क्या बोलते हैं, जज जज करने के लिए आया है, टॉर्मेंट करने के लिए आया है, शिक्षा देने के लिए आया है। तो शैतान जानता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और यहाँ पर वो आजमाइश में डालना चाहता है यीशु मसीह को, कह रहा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो हमने सीखा कि शैतान जो है वो हमारी हमारी कमजोरियों को
देखो बहुत अच्छी तरह से जानता है। और आगे देखेंगे कि क्या लिखा है। हम पांचवें अध्याय में देखो, सॉरी पांचवें वचन में क्या लिखा है, शैतान उसे ले गया। शैतान उसको लेकर जगत को पल भर के अंदर, यहां पर बड़ा एक और इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है कि पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाता है। तो क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर शैतान के बारे में, शैतान की शक्ति या सामर्थ्य के बारे में क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? यहां पर तो पूरा जगत, पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार, सब राज्य यीशु मसीह को दर्शाता है कि दिखाता, देखो ये है मेरा राज्य, ये और कहता ये मुझे दिया गया है। तो शैतान का शक्ति यहाँ दिख रहा है क्योंकि वो स्वर्गदूत था और गिरा हुआ स्वर्गदूत है, इस कारण से उसको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर बोलते हैं ना, कि बहुत सामर्थ्य, जैसे स्वर्गदूतों का सामर्थ्य होता है। और वहां पर लिखा है कि पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, तो इस तरह का एक सुपरनेचुरल बीइंग ही इस तरह का काम करके दिखा सकता है। हम देखिए हमारी नजर कितनी जा सकती है, कितनी दूर तक जा सकती है। एक साधारण इंसान का नजर आधा किलोमीटर मैक्सिमम, अगर क्लियर डे है तो मे बी 200 200 मीटर भी जाएगा, मुझे डाउट लग रहा है 100 200 मीटर, या कभी क्लियर स्काई हो गया ना। 1 किलोमीटर पकड़ लो, कितना देर देख सकेंगे? कहां तक देखेंगे हम? यहाँ पर सोचिए मुश्किल है। कि पूरे जो पृथ्वी, वो भी गोल पृथ्वी, देखिए देखना भी है तो गोल पृथ्वी में कैसे दिखा सकता है, देखो वो भी एक मैटर है। कैसे देख सकते? पृथ्वी गोल है, तो अगर पूरी पृथ्वी गोल पृथ्वी में एक नजर में बोलते हैं कि पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, तो एक एक कुछ सुपरनैचुरल, उसने कुछ बड़ा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तरह का कुछ यीशु के सामने उसने किया होगा। तो शैतान बहुत सामर्थ्यशाली है, ये भी हमें यहाँ पर, सामर्थ्यशाली स्वर्गदूत है या था, जो अभी उसने अपना रूप छोड़ दिया, तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। कि यहाँ पर 6 में जरा देखिए कि 6 में वो कुछ बोल रहा है वहां पर यीशु को, वो क्या बोल रहा है, और वो इस पे तरह हम ध्यान देंगे यहाँ पर। 6 में शैतान यीशु मसीह से कह रहा है कि ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, या तो क्योंकि कहता है ये सब कुछ मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को मैं देता हूं। तो हमने देखा कि आदम की वाटिका में परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदम हव्वा को बनाया था और उसको कहा था कि ये सभी चीजों का देखभाल कर। तो पहला ये अधिकार किसके पास था, और किस कारणवश ये अधिकार अभी इस शैतान के पास चला गया? पहला तो आदम के पास ही तो था सारा अधिकार, परमेश्वर ने आदम को दिया। और जब वो ये चालाकी के साथ कहेंगे या अपनी दुष्टता के साथ उसने ये अधिकार छीन लिया उससे और अपने पास ले लिया, शैतान के पास आ गया। वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा चीज कहा कि वो उसने छीन लिया, तो एक्चुअल में वो पाप को पाप में गिराने का एक उसका मकसद ये भी था कि उसका अधिकार, आदम का जो अधिकार या परमेश्वर के स्वरूप में जो परमेश्वर ने बनाकर उसको अधिकार दिया, तो अधिकार को छीन ले। और यीशु को जब वो कह रहा है कि ये सब अधिकार और इनके वैभव, अधिकार के साथ वैभव भी आता है ना। देखिए हम जगत में देखते हैं कि अगर कोई अधिकारी है तो उसके साथ में ग्लोरी भी आता है, वैभव भी आता है। तो मुझे तो क्या करें, अगर शैतान की आराधना करेंगे तो शैतान हमें क्या दे? एक व्यक्ति अगर शैतान की आराधना कर रहा है, दूसरे शब्दों में परमेश्वर को छोड़ दूसरे किसी भी चीज की आराधना कर रहा है, तो क्या देगा? पर शैतान क्या देने देने के लायक है, या शैतान क्या अधिकार रखता है? और यहां पर जो यीशु मसीह को जो ऑफर कर रहा था, यीशु मसीह का कहना, जिसे चाहता हूं मैं अपना वैभव सारा अधिकार जिसे चाहता हूं मैं देता हूं, उसका सारा सारे जगत का, पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है, ये तो उसने कहा। और एक हिसाब से वो अपने अपनी इच्छा प्रकट कर रहा था, क्योंकि वो जब स्वर्ग में स्वर्गदूत था तब उसके जहन में ये ख्याल आया कि मैं परमेश्वर की तरह बनूं, लोग जैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति आराधना और दंडवत करते, मेरा भी करे। क्योंकि वचन 7 में देखिए वो क्या बोल रहा है। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। तो वो तो एक टाइम पे वो काम करता था, वो
अभी वो चाहता है कि यीशु भी उसको काम उस वो काम जो वो करता था वो यीशु अभी उसको उसको करके दिखाए। यीशु मसीह को अपना नौकर बनाना मांगा है। या वेरी इंटरेस्टिंग। तो ओके, तो हम 9 में जरा देखेंगे शैतान के बारे में थोड़ा सा। 9 में वो उसका सामर्थ्य क्या है या उस वो क्या कर सकता है। तब मैं उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगरे कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा। बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा कि यीशु मसीह को लेकर शैतान लेकर जा रहा है? कभी जगत दिखाता है तो कभी मंदिर के कंगूरे पर ले जाता है, वो ले लेके जा रहा है। तो शैतान जैसा हमने पहले देखा कि वो सामर्थ्यशाली स्वर्गदूत है या था और उसमें सामर्थ है, अभी भी सामर्थ है। हमारे पास एक बहुत अच्छी किताब है स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक मलयुद्ध, जहां पर हम शैतान के कार्य पर और शैतान की शक्ति पर हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर ये भी देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह हमें भी शक्ति दिया है, हमें भी बहुत सारी युद्ध के लिए बहुत सारी रीति से तैयार किया है, वो भी हम देखते हैं। बाद में कभी हम इसको सिखाएंगे यूट्यूब पर अभी हम आगे जाएंगे और अगला सवाल देखेंगे। एक सेकेंड हम देखेंगे कि पूरा ओके, एक सेकेंड 11 में देखेंगे, वचन 10 में देखो, शैतान किस चीज की क्या जानता है वो। वचन 10 में जरा एक थोड़ा सा उसके इसको। अंदर शैतान जानता है कि वो परमेश्वर जो है वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है कि वो रक्षा करे। वो जानता है कि इसकी रक्षा करने के लिए स्वर्गदूत है और परमेश्वर स्वर्गदूत जो है अगर ये गिर भी जाएगा, छलांग भी लगा देगा, तो स्वर्गदूत आएंगे और उसकी रक्षा करेंगे, ऐसा उसको पता है। और वो कहाँ से उसको वो अगर जानकारी उसको कहाँ से मिली, कहाँ लिखा गया था, लिखा वहां पे लिखा लिखा है तो हमने बता, मैंने पहले बताया भजन संहिता 91। नाइनटी वन में लिखा था ना, वचन तो शैतान को किस चीज की जानकारी है। को जानता है, वो वचन वचन को बड़ी अच्छी तरीके से जानता है। बहुत अच्छी तरह से जानता है पर वो वचन को वो मोड़ता है ना, वो ट्विस्ट करता है इंग्लिश में पर हम बोलते तोड़ हैं। मरोड़ता है, तोड़ता मरोड़ता है, कहीं ना कहीं वो उसके साथ चलाकी करता है, उसके अंदर तो अभी झूठ एक डाल देता। या वेरी गुड, तो एक दो और थोड़ा सा हमने इसको बहुत देखा बट जस्ट एक क्वेश्चन कवर कर लेंगे। यीशु के साथ शैतान क्या कर रहा था, क्या उसने ऐसा किसी और के साथ पहले भी किया था, वह पहले कौन था। तो यहाँ पर हमने देखा हिस्ट्री है हमारा, अभी हमने पूरे चुनाव जो किताब में बहुत सारी उदाहरण देखी, तो पहले किसके साथ शैतान कर रहा था इसमें हमने देखा। हाँ, सबसे पहले तो उसने आदम हवा के साथ किया, क्योंकि मेरे को लगता कि दिखता कि हवा के साथ किया है, पर आदम हवा इकट्ठे एक साथ ही तो थे। हालांकि हवा सामने दिखाई दे रही, पर दोनों के साथ हो रहा था। यही चालाकी, यही बातचीत, ऐसी परीक्षा उसने उनके साथ करी। आदम हवा के साथ की, फिर हमने अध्याय इस किताब के इस एपिसोड के पहले अध्याय में किस पर किस पर हमने किसकी कहानी पढ़ी हमने। हमने दाऊद की बात सुनी थी, तो दाऊद की तो परीक्षा भी देखे ना, कहां कैसे आए थे। और जब वो नादान नबी आता है तो कौन आता है उसको कहता है, उसके पास कुछ लोग आते हैं, तो वो लोग कौन थे परीक्षा करने वाले। गेट इन टच, कॉल अस ऑन +91 86 550 83302 or email us at info@preceptindia.org. You can also find us on www.preceptindia.org. God bless you.